नमस्कार, मैं वर्णिका आपका स्वागत करती हूँ कर्मा आयुर्वेदा के यूट्यूब चैनल पे, जहाँ आप किडनी से जुड़ी सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ईजिली पा सकते हैं। आज हम बात करेंगे कि जब आपकी किडनी ख़राब होने वाली होती है तब आपको कौन से सिम्टम्स फील होंगे और उसके क्या कॉजेज़ हो सकते हैं। जब किडनी अपना काम सही से नहीं कर पाती तब बॉडी में वेस्ट मटेरियल जमा होने लगते हैं और किडनी फंक्शन पर अफेक्ट पड़ने लगता है। लेकिन अगर आप अपनी बॉडी में कुछ चेंजेस या सिम्टम्स पर ध्यान देंगे तो आप खुद पता लगा सकते हैं कि आपकी किडनी सही से काम नहीं कर पा रही है और आपको तुरंत ही डॉक्टर से मिलने की ज़रूरत है। जब किडनी डैमेज होना शुरू होती है तब शुरुआत में कोई खास लक्षण नज़र नहीं आते, लेकिन जब ये एक सीरियस स्टेज पर आने लगती है तो आपको कई सिम्टम्स फील हो सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट है यूरिन फ्लो, मतलब अगर आपको अचानक से कई दिनों से यूरिन का फ्लो तेज़ आ रहा है या ज़्यादा यूरिन आ रहा है। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि यूरिन बनना ही बंद हो जाए। ये सिम्टम्स आप कुछ दिनों तक नोटिस करने के बाद डॉक्टर से चेकअप करवा सकते हैं। कई बार यूरिन प्रॉब्लम किसी और प्रॉब्लम की वजह से भी हो सकती है। सेकेंड है यूरिन कलर। कई बार किडनी प्रॉब्लम में आपको यूरिन कलर में चेंजेस दिखाई दे सकते हैं। अगर आपका यूरिन लाइट येलो है तो डरने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि ये नॉर्मल और हेल्दी पर्सन के सिम्टम हैं। अगर आपको डार्क येलो यूरिन लंबे टाइम से आ रहा है तो इसका मतलब है कि आपकी बॉडी में पानी की कमी होने लगी है। इसलिए कोशिश करें कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीकर अपनी बॉडी को हेल्दी रख सकें। और अगर आपका यूरिन ऑरेंज कलर का आ रहा है तो ये किसी लॉन्ग टर्म से चल रही मेडिसिन या सिट्रस एसिड के ज़्यादा कंजम्पशन की वजह से भी हो सकता है। कई बार यूरिन में प्रोटीन झाग के रूप में भी नज़र आ सकता है, जो किडनी डैमेज होने का एक सिम्टम है। थर्ड है डिस्टर्ब्ड स्लीप। कई बार हम लोगों को लगता है कि बदलते लाइफस्टाइल की वजह से नींद में बदलाव आ रहा है, लेकिन ये किडनी डैमेज होने का भी एक लक्षण हो सकता है। किसी भी कारण से नींद ना आना या कम सोना या फिर कच्ची नींद सोना भी एक प्रॉब्लम है, जिस कारण से किडनी डैमेज हो सकती है। फोर्थ है हाई ब्लड प्रेशर। किडनी प्रॉब्लम का एक मेन रीज़न हाई ब्लड प्रेशर, ये तब होता है जब बॉडी के अंदर सोडियम का लेवल इंक्रीज होने लगता है, जो किडनी के काम को स्लो करने के साथ साथ किडनी पर प्रेशर बढ़ाने लगता है, जिस वजह से किडनी डैमेज हो सकती है। फिफ्थ है डायबिटीज़। कई बार डायबिटिक पेशेंट अपना ध्यान ठीक से नहीं रख पाते या खान पान में लापरवाही करते हैं और टाइम टू टाइम मेडिसिन नहीं लेते, जिसकी वजह से किडनी पर प्रेशर पड़ता है। किडनी पर बढ़ता प्रेशर किडनी डैमेज का मेन रीज़न होता है और बढ़ते प्रेशर की वजह से किडनी सही से काम नहीं कर पाती। डायबिटीज़ पेशेंट की लापरवाही की वजह से उनके ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है और किडनी को ब्लड फिल्टर करने में प्रॉब्लम आने लगती है। सिक्स्थ, हिस्ट्री ऑफ पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ यानी PKD। अगर आपकी फैमिली में कभी भी किसी को पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ रही है तो ये आने वाली जनरेशन में किसी को भी हो सकती है। अगर आपकी फैमिली में किडनी प्रॉब्लम की हिस्ट्री है तो आप अपने खान पान का ज़्यादा ध्यान रखें। सेवन्थ है फटीग, यानी कि थकान महसूस होना। ज़्यादा काम ना करने के बाद भी आप थकान महसूस करते हैं या आपकी बॉडी में कमज़ोरी फील होती है तो आपको शायद किडनी प्रॉब्लम हो सकती है। एट्थ है अनीमिया। किडनी डिजीज़ में आपके अंदर खून की कमी हो सकती है, जिसका बुरा असर आपकी किडनी फंक्शन पर दिखाई देता है। किडनी अपना काम सही तरीके से नहीं कर पाएगी और बॉडी में प्रेजेंट वेस्ट मटेरियल बाहर नहीं निकल पाएंगे, जो आपकी हेल्थ के लिए एक बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है। नाइन्थ है स्वेलिंग। आपकी बॉडी में अगर कभी भी सूजन नज़र आती है, खास तौर पर हाथ, पैरों, आँखों के नीचे या फेस पर, तो आपको किडनी प्रॉब्लम हो सकती है। स्वेलिंग किडनी प्रॉब्लम का एक मेन सिम्टम माना जाता है। स्वेलिंग के साथ साथ आप अपनी बॉडी में वेट गेन की प्रॉब्लम को भी फेस कर सकते हैं। वेट गेन से किडनी पर प्रेशर पड़ता है और वो सही से काम करना बंद कर देती है। आप किडनी प्रॉब्लम की जांच के लिए ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, MRI, CT स्कैन, अल्ट्रासाउंड और कॉन्ट्रास्ट एक्सरे करवा सकते हैं। अगर आपको अभी बताए गए कोई भी सिम्टम्स नज़र आते हैं तो किडनी स्पेशलिस्ट से मिलें, या फिर इसके लिए आप कर्मा आयुर्वेदा किडनी सेंटर में भी संपर्क कर सकते हैं। तो आज हमने आपको किडनी ख़राब होने के सिम्टम्स और कॉजेज़ के बारे में बताया। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप कर्मा आयुर्वेदा किडनी सेंटर में भी संपर्क कर सकते हैं। संपर्क करने के लिए हमारी डिटेल डिस्क्रिप्शन के अंदर दी गई है, या फिर हमारी फ़ोन नंबर भी स्क्रीन के ऊपर मेंशन है, जिसके ऊपर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाइए सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए,
लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारी नई वीडियो आते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप ऐसे ही कर्मा आयुर्वेदा के साथ बने रहें।